नमस्कार, स्वागत है आपका जे जे न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में, और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। तो इस वक्त टीम की मौजूदगी मंगल पड़ाव में मौजूद है, यहाँ से हम आपको मौसम का अपडेट देने वाले हैं कि आज दिन भर कैसा मौसम रहने वाला है आपके जिलों में। यदि मैं यहाँ की बात करूँ तो कैनपास से कहूँगी तस्वीरें दिखाइए किस प्रकार से अभी यहाँ पे हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी है वो हो रही है, और लेकिन इससे 5 से 10 मिनट पहले यहाँ काफ़ी तेज़ जो बारिश है वो हुई है। और ऐसे में क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था आज के लिए, लेकिन उसके चलते अभी जो बारिश है वो थमी है, लेकिन उनकी ओर से भारी बारिश की चेतावनी आज जताई गई है। आप मौसम देख सकते हैं, इस प्रकार से मौसम बेहद ही ख़राब फिलहाल बना हुआ है। कभी भी जो बारिश है वो तेज़ गति से हो सकती है, क्योंकि अभी 5 मिनट पहले ही यहाँ पे जितनी बारिश हुई थी, केवल 5 मिनट की बारिश ने इस प्रकार से मौसम का हाल है वो कर दिया है, हल्द्वानी का जो हाल है वो कर दिया। यदि मैं आपको और अपडेट दूँ तो बता दूँ, आज पिथौरागढ़ में इतनी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो कि वहाँ की जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने आज बच्चों का अवकाश घोषित किया है। इसके अलावा उधम सिंह नगर में आज हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, वहाँ पे तेज़ बारिश को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया है। लेकिन बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, ये वो ज़िले हैं जहाँ आज काफ़ी तेज़ जो बारिश है वो हो सकती है। और इसके अलावा बीते 24 घंटे में भी यहाँ पे अच्छी खासी बारिश है वो दर्ज की गई है। कल भी हल्द्वानी में अच्छी खासी बारिश है वो दर्ज की गई थी, इसके चलते काफ़ी तबाही भी यहाँ मची है। देवफड़ी नाले से भी काफ़ी भयावह तस्वीरें सामने आई है, ऐसी खबरें सामने आई थी कि वहाँ पे काफ़ी जो कारें हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, काफ़ी कारों को नुकसान हुआ है वाहन क्योंकि वहाँ से गुजरते हैं। हालाँकि उसको लेकर लोनीवी ने वहाँ पर जो एक बोर्ड है वो चस्पा किया हुआ है कि यहाँ पे तेज़ बारिश के दरमियान ना गुजरे, लेकिन फिर भी वाहन है वो गुजरते हैं, जिसका कारण है कि कल भी यहाँ से ऐसी खबरें सामने आई कि काफ़ी जो वाहन है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा यदि मैं और आपको मौसम का अपडेट दूँ तो क्योंकि आज अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में मौसम विभाग ने साफ तौर पर हिदायत लोगों को दी है कि घर से बाहर पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ना निकले, दिए अति आवश्यक ना हो तो घर से ना निकले। इसके अलावा हेराखान से भी बीते दिन बेहद ही जो दुखद जो खबर है वो सामने आई थी, कुछ लोग हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं। हालांकि जिस प्रकार से उनके फंसे होने की खबर आई, जिसकी सूचना तुरंत सचिव मजिस्ट्रेट और SDM को दी गई, उसके बाद उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए वहाँ पे मौके पे जो JCB है वो भेजी। अब फिलहाल सभी जो लोग हैं अंदर वो सुरक्षित हैं, लेकिन जल्द ही उनको निकालने का कार्य है वो शुरू कर दिया जाएगा। और फिलहाल जब हम रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, अभी तक फिलहाल उनको नहीं निकाला जा सका, लेकिन जो व्यक्ति हैं सभी सुरक्षित हैं, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार जो मानसून है वो तबाही मचा रहा है। ऐसे में हम आपको हर दिन मौसम का नया अपडेट बताते हैं, नई खबर आपको बताते हैं, लेकिन आज हम आपको धरातल से मौसम का अपडेट बता रहे हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि आज किस प्रकार से हल्द्वानी का मौसम बना हुआ है, तस्वीरें आपने देखी। उसके बाद मैंने आपको चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून के लिए जो अलर्ट जारी किया गया है उसके संबंध में जानकारी दी। हालांकि उधम सिंह नगर में हल्की हल्की बारिश हो सकती है, ज़्यादा वहाँ खतरा नहीं है, लेकिन नैनीताल जिले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में एहतियातन बरतना आप लोगों का काम है, मौसम विभाग ने साफ तौर पर पूर्वानुमान है वो जता दिया है। ऐसे में हिदायत मौसम विभाग भी दे रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों को ना निकले, बच कर निकले, यदि अति आवश्यक हो तो तभी निकले। ऐसे में फिलहाल अभी मैंने आपको अपडेट दिया मौसम का, कुछ इस प्रकार से हाल हल्द्वानी के बने हुए हैं, तमाम जिलों में कुछ इस प्रकार से हाल रहने वाला है। पिथौरागढ़ में आज छुट्टी भी घोषित की गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, मैं अपनी सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, JJN News हल्द्वानी, नमस्कार।